गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं नहाने जा रही थी। मुझे आज लगाना था हेयर मास्क। कल मैंने मेरे बाल को अच्छे से धुल लिया था, शैम्पू कर लिया था मैंने, हेयर मास्क अप्लाई करना बाकी रह गया था। जब भी आप हेयर मास्क अप्लाई करें तो उससे पहले आप अपने बालों को अच्छे से धुल लें, इसके बाद आप हेयर मास्क अप्लाई करें। थोड़ा सा गीला बाल रहेगा तब अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बट मैंने रात में ही हेयर को अच्छे से धुल लिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी की हेल्प से इसे गीला कर लूँगी, इसके बाद हेयर मास्क लगा लूँगी। फिर मेरे माइंड में आया कि आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि दी आप क्या लगाते हो, आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों से बात करते करते ही हेयर मास्क को भी अप्लाई कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने कैमरे को लगा दिया ट्राईपॉड में, ताकि मैं आप लोगों से बात भी करूँ और हेयर मास्क भी लगा लूँ, आप लोग बोर भी ना हो। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि दीप ने मुझे क्या दिया। आई नो आप लोग उसी की वजह से आए हो, वही देखना चाहते हो कि दीप ने मुझे क्या सरप्राइज दिया जो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। तो वेट कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो सबसे पहले तो मैं चल रही हूँ लगाने हेयर मास्क। मैं हेयर मास्क यूज करती हूँ वाओ का एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, काफी अच्छा हेयर मास्क है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ यार, हाँ पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसकी यार, सच में काफ़ी माइल्ड फ्रेग्रेंस है, काफ़ी बजट फ्रेंडली। इस हेयर मास्क को यूज़ करने से ना आपके डैंड्रफ भी कम हो जाते हैं। तो चलो मैं इसे लगा लेती हूँ, फिर थोड़ा डिटेल्स में मैं इसके बारे में बता देती हूँ, फिर नहा के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि दीप ने मुझे क्या दिया। गाइस मैंने मेरे बालों को अच्छे से गीला कर लिया, मतलब एकदम गीला नहीं कर लिया, फिर भी गीला कर लिया। तो हमने इतना इतना पार्ट डिवाइड कर लिया है, अब इसमें हम हेयर मास्क अप्लाई करें, कुछ इस तरीके से हैं। वाह, तो बस लगा के हमें 15 मिनट के लिए गर्म टॉवल की हेल्प से कवर कर लेना है अपने बालों को। तो मैं इसे लगा ले रही हूँ मेरे पूरे बाल में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। जब तक मैं इसे अपने हेयर में लगा रही हूँ, तब तक आप लोग डिटेल्स में जान लें इसके बारे में कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गाइस चलो थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं हम इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है वाओ का हेयर मास्क, एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। इस हेयर मास्क को यूज करने के काफी सारे बेनिफिट भी हैं, मैं आपको 2-3 बता दे रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो, गिव्स रिलीफ फ्रॉम डैंड्रफ, रिबैलेंस स्कैल्प माइक्रोफ्लोरा एंड हेल्प रिड्यूस स्कैल्प सीबम। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और इस हेयर मास्क का प्लस पॉइंट ये है गाइस कि इसमें नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो, कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारे हेयर को डैमेज करे। इसे यूज़ करने के बाद आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ हो जाता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को इस प्रोडक्ट को। मैं मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से अब हेयर मास्क सिलेक्ट करती हूँ। जैसे इस टाइम मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसे यूज़ करने के बाद मेरे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, 3-4 मंथ चल सकती है। तो गाइस ये है इसकी एक्चुअल पैकेजिंग, आप देख सकते हो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छी तरीके से ये दिखता है। इसको मैंने 2 बारी यूज़ किया और 2 बारी यूज़ करने में ही मुझे इसका रिजल्ट दिख गया। तो गाइस हमने पानी को गर्म कर लिया है, इसमें हम टॉवल को डिप करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो को हेल्पफुल बना पाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब भी देखें तो कुछ अच्छा सीख के जाएं। इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया अपने वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। वीडियो पसंद आया गाइस तो मेक श्योर इसे लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दीप का दिया हुआ गिफ्ट आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आप लोग हेयर स्पा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैंने स्क्रीन पर टाइमिंग लगा दी हुई है, तो आप लोग स्किप करके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि दीप ने मुझे क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो, और अगर इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हो कि घर पे हेयर स्पा कैसे करना है, हेयर मास्क को कैसे यूज करना है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ इस तरीके से हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, गरम टॉवल जो है इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद पानी से अपने बाल को धुल लेंगे। अभी नहा के आ रही हूँ, मैंने मेरे बाल को धुल लिया है 15 मिनट रखने के बाद, ये अच्छी तरह से सूख जाए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे हेयर ड्राई हो गए हैं, नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है, बट इतना चल जाता है। और आपको मेरे हेयर में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिख रहा होगा, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो टाइटल पड़ा हुआ है, बातें उस टॉपिक पे कि क्या ऐसा दीप ने मुझे दिया जो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। चलो बात नहीं करते हैं, दिखाते हैं। आज मेरी शादी में ना मुझे जो झुमकी मिली थी उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन बाद में 3 तल्ले वाली 3 लेयर वाला झुमका जो होता है वो चल गया, तो मुझे 3 लेयर वाला झुमका चाहिए था। बट उस टाइम बजट मेरा नहीं था कि मैं ले पाऊँ, मेरे पापा बोल रहे थे, बट मुझे लगा कि शादी के बाद
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं बढ़ानी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने पापा को मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। बट मन ही मन होता था कि कब मेरे पास होगा, मेरे फैमिली में सबके पास हो गया है बट मेरे पास ही नहीं था। और जब कोई फंक्शन पड़ता था ना तो मेरा मन करता था कि काश मेरे पास भी हो या तीन तल्ले वाली झुमकी। गाँव में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मायने होता है, मतलब गाँव में गोल्डन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि मैंने मेरे एक और वीडियो में बोला है, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ, बट गाइस अगर मैं आप लोगों के साथ अपना छोटा छोटा दुख दर्द बांटती हूँ तो इतनी बड़ी खुशी क्यों ना बांटूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, आप लोगों को मेरे फेस से पता चल रहा होगा। तो ज़्यादा बातों को गोल गोल नहीं घुमाते हैं जलेबी की तरह, वैसे जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये देखो, ओ माय गॉड, दीप ने मेरा वो ड्रीम पूरा कर। इसके साथ एक और सरप्राइज उन्होंने दिया हुआ है, वो देखेंगे ना आप लोग तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये रहा मेरा तीन तल्ले वाला झुमका। डिज़ाइन थोड़ी सी मतलब पुराने ज़माने की लग रही है, बट गोल्डन में यही चलता है, गांव में अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगेगा कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, मेरी च्वाइस का नहीं है, मेरे हबी की च्वाइस का है। दीप ने इसे पसंद किया हुआ है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एक चीज़ और, मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मेरे पास ना ये वाला मंगलसूत्र हो, और दीप ने ये भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। और गाइस ये गोल्ड है और इसे बनवाने में लगे हैं 6 तोले सोने। अब आप 6 तोले के हिसाब से समझ सकते हो कि कितने में मुझे ये वाला पड़ा होगा। और ये बनाया 2 तोले का, 2 से ज़्यादा नहीं है, 6 तोले का ये है मेरा मंगलसूत्र, 2 से ज़्यादा लगा हुआ है इस झुमके में। तो इस टाइम सोना चल रहा है 41 में 1 तोला, तो आप लोग उसके हिसाब से लगा सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और थंबनेल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने पहना हुआ है। चलो फिर से पहन लेती हूँ। वाह, इस पे नहीं अच्छा लग रहा है बट साड़ी के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से जाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार। माय गॉड, कल जब दीप ने लाके मेरे हाथों पे रखा ना तो मैं ऐसा लग रहा था यार कि क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं था, मैं कुछ मतलब हक्की पक्की रह गई कि सडनली इनके मन में क्या आया, इन्होंने ये बनवा दिया। मतलब ना तो हमारे बीच कोई चर्चा हो रही थी कि मुझे चाहिए, देखो ये चर्चा तभी होती थी ना जब शादी वादी पड़ गई है, यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और अभी तो ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर दीप के मन में क्या चला, उन्होंने बनवा दिया। जब दीप ऑफिस से आया तो उन्हें बोला कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो मैंने बोला आज से पहले तो आपने कोई सरप्राइज दिया ही नहीं, रहने तो कुछ खाने पीने वाली चीज़ लाए होंगे। नहीं, आई क्लोज करो फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैं आई क्लोज करके हाथ ऐसे आई हूँ, आप कुछ ना कुछ मजाक करने वाले, जब उन्होंने रख दिया ना कितना वजन है क्या है, तो कह रहे अब आई ओपन करो। जब आई ओपन कर रही हूँ, ओह माय गॉड, मतलब इतने दिन का सपना मेरा पूरा हो गया। कम से कम आप बोल सकते हैं कि 4 साल से मैं सोच रही थी कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, बट नहीं हो पा रहा था। यही है ना कि इस समय के साथ सारी चीज़ें होती हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें होगी जब उसका टाइम आएगा। तो मुझे लगा कि अब इसका टाइम शायद आ गया है, अभी तो मेरे यहाँ कोई शादी वादी नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी गाइज। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच दीप, इतने प्यारे झुमके और इतने प्यारे मंगलसूत्र के लिए। तो बस अभी मैंने एक झुमकी, एक्चुअली जब मैं घर गई थी ना तो एक झुमकी मैं देख के आई हूँ, उसका मैंने ऑर्डर दे दिया है, देखो जल्दी बन जाएगी। वो थोड़े से नए डिज़ाइन में है बट दीप की च्वाइस भी अच्छी ही है। इसी चीज़ के लिए तो मैं कब से तरस रही थी यार कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फाइनली ये चीज़ मुझे मिल गई। और आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, आप लोग समझ सकते हो। एक ही चीज़ को मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दे रही हूँ, अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा खुशी में मैं बोल दे रही हूँ। मेरे ऊपर ज्वेलरी कैसी लग रही है, आई नो टी शर्ट के साथ नहीं अच्छी लगती है, सूट साड़ी के साथ अच्छी लगती है, तो साड़ी के साथ ही तो है ना थंबनेल वाली पिक्चर। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो गाइज मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ, काफ़ी प्यारा सा ब्लॉग आया है तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अभी तक आपने यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रियादीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए देख लेते हो, ऐसे क्यों करते हो, सब्सक्राइब करके देखो ना यार। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। और मैं कुछ बोलने जा रही थी, हाँ कि आज ही मैं इस ज्वेलरी को ले जाके लॉकर में रखवा दूंगी, क्योंकि गोल्डन घर पे रखना सेफ नहीं होता। अगर आप लोग भी घर पे रखते हैं तो बिल्कुल भी ना करें गलती, क्योंकि गोल्डन घर पे रखना सेफ बिल्कुल भी नहीं है।
सो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून। सब लोग बोलते हैं लास्ट में आप ऐसे भागते हो जैसे आपकी कोई ट्रेन छूट रही हो, तो सच में मेरी ट्रेन छूट रही है, बाय बाय।